गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। साहब गोलीकांड मामला अब सड़क से सदन तक पहुंचेगा। अफजाल अंसारी पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, परिजनों को दिया आश्वासन। सांसद अफजाल अंसारी सोमवार को सरैया गांव में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने 24 अक्टूबर को मामूली नोकझोंक में गोली से घायल धर्मेंद्र बिन के परिजनों से मुलाकात किया। अफजाल अंसारी ने घायल के चल रहे इलाज के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि वह हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। सांसद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह घायल को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराएंगे। मुलाकात के दौरान उन्होंने परिजनों को इलाज के लिए तत्कालिक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराया। अफजाल अंसारी ने कहा कि जिस तरह से आरोपितों ने जघन्य तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि कार्रवाई के नाम पर पुलिस महज कोरम पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी छोटी जाति के लोगों ने इस तरह से हमला किया होता तो अब तक उसके घुटने और छाती में पुलिस गोली मार देती। अफजाल अंसारी ने कहा कि पीड़ित परिवार को 50 लाख सहायता देने के साथ ही उसके मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए। वह पीड़ित परिवार के साथ है, अगर प्रशासन समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं करता तो हम गरीबों को लेकर सड़क पर आंदोलन करेंगे, साथ ही इस आवाज को वह सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा, राकेश सिंह यादव, सांसद प्रतिनिधि बलिराम पटेल, बल्ली बिंद प्रधान, गुड्डू बिंद, राजेश यादव, बबलू राजेंद्र आदि मौजूद रहे। जब पीड़ित परिवार की क्या बात की और इस घटना को लेकर क्या था? अब वो बेचारा जिंदगी मौत की जंग ड्रामा सेंटर बनारस में झेल रहा है। गोद में उसके बच्चा है, परिवार के सदस्य दुखी हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं। दिन दहाड़े बताया गया कि 10 लोग लगभग थे और सबके हाथ में नाजायज असलहा था, और दौड़ा दौड़ा करके जो भी गांव का दिख रहा था उस पर गोली मार रही थी। उसको तो बिल्कुल नजदीक से मारा गया, वो बच गया, अपने बाल बच्चों के नसीब से बच गया। मकसद उसकी हत्या करना था। जो एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। यदि पहले संगीता बोलना चाहती, उन्होंने कहा कि योगी मोदी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अब कह तो रहे हैं कि यही ये अपराध, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जिस कानून व्यवस्था का डंका बजा रही है सरकार, उन्हीं की गोद में पलने वाले इस कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? ये किसी गरीब का, किसी छोटी जाति का अगर व्यक्ति इस तरह की कोई घटना कर दे तो उसको पकड़ के उसके घुटने में, उसके छाती में गोली मार दी जाएगी। और इस तरह से जघन्य लोगों के अंदर भय और आतंक पैदा करने की कोशिश की गई, गरीब डरे हुए हैं। अगर ये भी अपने हाथ में कानून ले ले तो उनका कट्टा गोली धरा रह जाएगा। जैसा काम कार्रवाई होनी चाहिए नहीं है। मैं समझता हूँ पुलिस के ऊपर बहुत दबाव होगा, प्रशासन के ऊपर दबाव है। जिस राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी भी स्वीकार करता है कि पुलिस बहुत दबाव में है, वहां के दरोगा की क्या स्थिति होगी? वहां के जनपद स्तरीय अधिकारियों की क्या स्थिति होगी? लेकिन देश और प्रदेश अगर कानून का राज्य है तो ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा एक दिन जनता सड़क पर आंदोलित होकर के उतर जाएगी। इस मामले में भी मेरी मांग है कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार से कम 50 लाख रुपए की सहायता दिया जाए, उसका मुफ्त इलाज लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाकर कराया जाए, और यहाँ जो आतंकित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, गरीब, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सांसद जी, 9M पिस्टल से मारा गया है जो परिवार, असलहों की फैक्ट्री और भरमार है, सब पुलिस को पता है।
लेकिन पुलिस भयभीत है, डरी हुई है, क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण ऐसे गुंडों को प्राप्त है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा होता तो उसका घर गिरा दिया गया होता। हम आपसे पूछते हैं, कितने घर गिराए गए इन अपराधियों के? कहाँ है बुलडोजर? ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलाने के लिए है। गरीब जनता जग चुकी है और ऐसे अत्याचारियों को, संरक्षण देने वालों को आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। सांसद, पीड़ित परिवार से आपने बात की? हाँ। क्या बात? मेरी पूरी हमदर्दी उसके साथ है जी। मैं दिल खोल के सहायता करूंगा, खुल्लम खुल्ला गरीब के पक्ष में खड़ा हूँ। अगर इसमें प्रशासन समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो इन गरीबों को लेकर के हम लोग सड़क पर खड़े होकर के आंदोलन भी करेंगे। इस आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद।